Assalamualaikum everyone, welcome to our channel A1 Food Recipes. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं। आज आप सबकी खिदमत में हाजिर है ओरियो आइसक्रीम की बहुत ही मजेदार और easiest रेसिपी। इस ओरियो आइसक्रीम को बनाना है बहुत ही आसान और टेस्ट में भी है ये बहुत ही यम्मी। तो आइए चल के देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने 6 बिस्किट्स वाले 2 पैकेट्स ले लिए हैं और पैकेट के अंदर ही इन बिस्किट्स को रखते हुए इनको हमने अच्छे से क्रश कर लेना है। अब जब बिस्किट्स अच्छे से बिल्कुल आपको फील हो कि ये अच्छे से क्रश हो गए हैं तो आपने एक एंड पैकेट का काट लेना है और जिस भी ग्लास में रख के आप इस आइसक्रीम को बनाना चाहते हैं उन ग्लास में अपने इन पैकेट्स को सीधा करके वर्टिकल पोजीशन में रख देना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध। ये ख्याल रखिएगा कि दूध बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस इतना डालें कि थोड़ा सा ऊपर आपको हल्का सा दूध नज़र आना शुरू हो जाए और आप उसको जब मिक्स करें बिस्किट्स को तो एक थिक सा पेस्ट आपको बनता हुआ फील हो जाए। उसके बाद आपने इसमें लगा देनी है आइसक्रीम स्टिक्स और आपने इनको फ्रीज होने के लिए रख देना है तकरीबन 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में। हमने यहाँ पे इनको तकरीबन 3 घंटे फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद अब आप देख सकते हैं 3 घंटे बाद ये अच्छे से बिल्कुल जम गई हैं। अब हमने करना क्या है कि एक सीजर की हेल्प से इस पैकेट को काट लेना है और आइसक्रीम जो है वो हमारी इसमें से निकल आएगी। दोनों आइसक्रीम्स को इसी तरह से हम निकाल लेंगे पैकेट में से। अब इसके बाद ऑप्शनल है, वैसे तो आप इसको इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप इसमें हम एक आइसक्रीम में ये कर रहे हैं कि क्रश किए हुए जो बादाम है वो छिड़क रहे हैं और उनको छिड़कने के बाद इसको हम मज़ीद 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये जो बादाम है ये अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। बट दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल। अगर आप पसंद करते हैं तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस तरह से क्रश करके आप किसी भी आइसक्रीम पे लगा सकते हैं, चाहे वो मूँगफली हो या कोई भी हो, उसको आप बारीक क्रश करके इस पर लगा सकते हैं। तो एक आइसक्रीम पर हम ये लगा रहे हैं और एक को हम इसी तरह से सिंपल रहने दे रहे हैं। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। बच्चे भी अगर चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ घर में ये बना सकते हैं और अपने बड़ों को भी खिला के खुश कर सकते हैं और उनकी दुआएं ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप तो इसको फौरन से ट्राई करेंगे क्योंकि ये है ही बहुत आसान। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज।